आज हम लोग सीखेंगे फ्लेयर बनाना। जब हम लोग इंडोर आउटडोर को जोड़ते हैं तो उसके लिए हम लोग फ्लेयरिंग टूल्स का यूज करते हैं और एक नट होता है जिसको फ्लेयर करके ऐसे उसको जोड़ते हैं। इसको फ्लेयरिंग करने के लिए हम तो फ्लेयर नट, पाइप जिसको जोड़ना है, फ्लेयर टूल्स का जरूरत हमको पड़ेगा और उसको फ्लेयर करके हम लोग दो पाइप को जोड़ते हैं। ये दोनों टूल्स में हमको इसका ध्यान रखना जरूरी है, ये जो लॉक है ना, ये जो लॉक है, ये इस लॉक का सीधा बैठना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग इसको टाइट करेंगे, उतना ही टाइट करेंगे जितना नट के अंदर आ जाए, यानी कि नट के बाहर निकल जाए। ये मेरा फ्लेयर हो गया और इस फ्लेयर को हम लोग दो नट के बीच, इसको फाइल बांधने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कोई रुखरापन होता तो हम फाइल का उपयोग कर सकते हैं आराम से, हल्का हल्का ऐसे करके फाइल से। अब ये नट यहाँ पर टेपलन टेप मार के आराम से हम लोग इसको इंडोर आउटडोर को कनेक्ट कर देंगे, दो स्लाइड लगाएंगे, टाइट कर देंगे और उसके बाद इसको हम लोग लीकेज चेक कर लेंगे, ठीक है। फ्लेयर बनाने के लिए आपको फ्लेयर टूल्स, फ्लेयर नट, स्लाइडिंग और टेपलन टेप आपको ज़रूरत है एसी को इंडोर आउटडोर जोड़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू सर। इसमें सर जो पाइप है, जो कौन सा पाइप है, मतलब ये पाइप का सबका साइज आता है, हाफ का अलग आता है, 1/4 का अलग आता है, 3/8 का अलग आता है, 5/8 का अलग आता है। इसका साइज आता है, आपको साइज से पाइप मिल जाएगा। साइज नापने के लिए आपको एक फ्लेयर टूल्स भी आता है जिसमें अलग अलग साइज का लिखा हुआ रहता है। दूसरा क्वेश्चन, लीकेज कर रहा है वहाँ पर, इसमें क्या मतलब कि हमने गलती देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं ना, फ्लेयर बनाते समय इस जगह भी वो लोग टेपलन टेप का उपयोग कर देते हैं। दूसरा, अगर ये फ्लेयर बना, ये फ्लेयर टेपर बनेगा या ये फट जाएगा या इसका कटिंग जो है वो टेपर हो या इसमें ये क्या बोलते हैं दाना दाना हो या धारी टाइप का, जो हम लोग हेक्सा ब्रिज करते हैं ना, वो दांत टाइप का कटता है वो हो तो लीकेज संभव है कि होगा। कैसे पता कर सकते हैं कि कितना प्लेयर हुआ है, कितना प्लेयर में हो जाएगा ये, तो आपको करते करते हाजिर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि इसको पहले आपको इंस्टॉलेशन करने के बाद लीकेज चेक होगा कि पहले चेक कर सकते हैं आप? वैसे जब इसमें कुछ रहेगा नहीं तो निकलेगा क्या? जब इंडोर आउटडोर जोड़ देंगे उस वक्त थोड़ा सा गैस खोलेंगे, फिर शैम्पू का झाग लगाएंगे, फिर उसमें कुछ लाएगा तब निकलेगा। जब इंडोर आउटडोर का गैस खोलेंगे तो निकलेगा क्या? ठीक है, प्रेशर निकालते हैं उसमें गैस, हल्का वो अलग चीज है, जबकि वो नहीं करना चाहिए। जो उसको सेल्फ वैक्यूम का लोग नाम दे दिए उसको, कि हम लोग एसी में सेल्फ वैक्यूम करते हैं, सेल्फ वैक्यूम वाला कुछ नहीं है, वो एक धकोसला मान के चलो है। तो वो जो फूस करते हैं उससे बेटर है कि आपको वैक्यूम के लिए वैक्यूम पंप का प्रयोग कीजिए। लेकिन हम लोग जल्दबाजी के चलते वो करता है बहुत लोग टेक्नीशियन, बल्कि वो करना उचित नहीं है। वो चार्जिंग बल्ब पिन करते हो बोलते हो सेल वैक्यूम हो गया, ऐसा थोड़ी है। खैर सक्सेस भी है लेकिन एक दुक्का में जिसमें केस में फंस जाता है ना, 2-2.5 साल 3 साल बाद उसका वीक हो जाता है गैस। वो प्रॉपर गैस लेने के बाद, प्रॉपर एम्पियर चलने के बाद वो वीक हो जाता है, वो टेम्परेचर उनका नहीं डाउन कर पाता है और पार्टी को वो कूल नहीं दे पाता जो उसको चाहिए। गैस भी वीक होता है सर। हाँ, जिस गैस में एयर आ जाएगा वो वीक हो जाएगा कुछ दिनों बाद। थैंक यू।
खराब, मतलब कैसे इंस्टॉलेशन करें कि और वैक्यूम कैसे करें कि मतलब कस्टमर का कूलिंग भी अच्छा करे और गैस भी ज़्यादा दिन तक चले। कूलिंग के लिए देखिए आपको पहला चीज उनका रूम भी देखना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को रूम में एसी लग रहा है उसमें प्रॉपर एसी लगेगा तो उस एसी को वैक्यूम करके गैस छोड़ोगे तो प्रॉपर कूलिंग करेगा। जिस एसी जिस रूम में अगर वो एसी वगैरह का जो है मापदंड अगर गलत हो जाए, मतलब उनको चाहिए 1.5 टन और वो लेके आ गए 1 टन तो उनको दिक्कत होगा। जिस बिल्डिंग में हीटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो पहले आपको हीटिंग रोकने का प्लान करना पड़ेगा, क्यों ना आपको छत पे पेंट कराना पड़े, दीवार पे पेंट कराना पड़े, खिड़की वगैरह को पर्दे से ब्लॉक करना पड़े, रूम का दरवाज़ा कम खोला जाए, तो इस छोटे छोटे चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। रूम में एसी लगाने के बाद अगर हीटिंग बहुत ज़्यादा है तो कूलिंग करेगा, लेकिन जो हम लोग सोचेंगे वो भावनात्मक नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि छत का पतला परत और डायरेक्ट धूप लगेगा छत पर और वो डायरेक्ट छत गर्म कर देगा। बहुत लोग को लगता है कि विंडो एसी बढ़िया काम करता है, स्पीड स्लो काम करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। स्पीड एसी को रूम का हीटिंग छत का हीटिंग मिलते रहता है जिसकी वजह से उसको कूलिंग करने में टाइम लगता है, और विंडो सी ग्राउंड में होने जमीन पर होने के कारण जो है वो कूलिंग बेटर कर देती है और कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। एसी के चलाने के लिए कितना फुट चाहिए? 220। 220।